नमस्कार दोस्तों 360 डिग्रीज़ पर आप सभी का स्वागत है आज हम आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताना चाहेंगे जो स्कैम होते होते रह गया जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली की और दिल्ली में एक स्कैम होने वाला था लेकिन जो हमारे एलजी साहब हैं उनकी वजह से ये स्कैम शायद अब नहीं हो पाएगा अगर आप आम आदमी पार्टी के ट्वीट हैंडल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने पिछले दिनों एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करके कोई कैंपेन चलाने की बात की और उसके लिए इन्होंने एक फाइल बनाकर एल जी साहब को भेजी जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी अब इसके इसकी वजह से कल कल से पूरी आम आदमी पार्टी एल के पीछे पड़ी हुई है जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए अट्ठाईस तारीख से एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ़ का एक कैंपेन चलाया जा रहा था जो एल साहब ने उनकी फाइल रोकने की वजह से स्थगित करना पड़ा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो पॉल्यूशन को कम करना चाह रही है लेकिन एल की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था जो एल की वजह से उनकी सतर्कता की वजह से नहीं हो पाया अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसा स्कैम है किस तरह का स्कैम है तो हम आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलते हैं ऑड इवन स्कीम तो आपने सुनी होगी ये हर साल जब भी पॉल्यूशन होता था तो ये ऑड इवन स्कीम लेकर आ जाते थे तो होता क्या था ये लोग ऑड इवन नंबर्स की गाड़ियों को डेली में अलाउड करते थे और जो भी जैसे किसी दिन ऑड गाड़ी का नंबर ऑड नंबर की गाड़ी का नंबर है उस दिन वो गाड़ी अलाउड होती थी उस दिन अगर कोई इवन नंबर की गाड़ी ले निकल जाता था तो उस पर चलान उसका चलान किया जाता था और डेली पुलिस इस चालान को करती थी और फिर हमने एक आर देखी इसमें ये आर टी डेली पुलिस को भी लगाई गई थी और जो डेली गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको भी लगाई गई थी तो उसमें पता लगा था कि जो डेली पुलिस पैसा इकट्ठा करके डेली गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजती थी उसमें नाइन्टी फोर लैक्स का घपला था मतलब नाइन्टी फोर लैख रुपीज़ उसमें गायब हो गए थे मैं अभी इसी में आरटीआई टी आई की रिप्लाई की भी कॉपी आपके सामने लगा देता हूँ तो ये डेटा है जनवरी से अप्रैल 2016 के बीच का तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने डेली पुलिस ने एक रिप्लाई में बताया है कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए कितने लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे किए और उन्होंने कितने डेली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजे लेकिन डेली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनका डेटा दिखाता है कि उनके पास लगभग चौरानवे लाख रुपए कम पहुंचे मतलब डिफरेंस वहां पर डिफरेंस इतने का आया डेली पुलिस ने एक करोड़ सैंतालीस लाख चौदह हज़ार तीन सौ रुपये भेजे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ट्रेजरी में केवल तिरपन लाख बासठ हज़ार तीन सौ रुपये आए बाकी के जो नाइन्टी फोर लैक्स हैं ऑलमोस्ट वो कहाँ चले गए वो आम आदमी पार्टी के मेम्बर्स के पास चले गए ऐसे ही आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जो दिल्ली के अंदर आपका ये कोविड नॉर्म्स अप्लाई हो रखे थे उस समय मास्क ना पहनने पर चालान हुआ करता था तो उस चीज़ के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने दस हज़ार सिविल डिफेंस वॉल्टियर्स की एक फ़ौज खड़ी करी ये और कोई भी नहीं थे ये आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ही हुआ करते थे जिनको डेली के सात सौ तीस रुपये दिया करती थी आम आदमी पार्टी और इनका काम होता था कि लोगों को बिना मास्क पहने पकड़ना या फिर कोई अगर आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा है मास्क नहीं लगा रखा है तो उसको रोक कर उसका चालान करना जबकि चालान करना इनके लिए अलाउड नहीं है लीगल भी नहीं है और तीन लोग तीन ऐसे आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था क्योंकि वो ताल कटोरा गार्डन के अंदर लोगों को पकड़ रहे थे और उनका चालान बना रहे थे और अगर आप इनकी ड्रेस देखेंगे तो ये सिविल डिफेंस डिफेंस के जो वॉलेंटियर्स हैं ये खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं जो बिल्कुल डेली पुलिस के साथ में इनकी जो ड्रेस से मैच करती है इस वजह से लोग इनसे डर जाते हैं और चालान के जो पैसे हैं वो दे देते हैं और अधिकतर जगह पर ये लोग रसीद भी नकली देते हैं इसके अलावा इनको अधिकार नहीं है चालान करने का लेकिन फिर भी चालान काटते हैं रसीद नकली देते हैं और अपने पे टी एम पर या अपना फ़ोनपे पर ये लोग पैसा ले, ले लेते हैं तो ये दो कैंपेंस मैंने आपको ऐसे बताए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी जो है उसने लोगों को लोगों कि जो भी जो भी योजनाएँ है, बनाते हैं लोग ये अपने आप योजना बना लेते हैं और इवन इन्हों अपने हिसाब से बना बना कर लिया है ऐसे कोविड वाला जो चालान था वो इन्होंने अपने हिसाब से अप्लाई किया इस तरह का और कहीं पर भी अप्लीकेबल नहीं था इन्होंने बनाया अपनी सिविल डिफेंस वॉल्टियर्स को सड़कों पर उतारा और चालान इकट्ठे किए और कितने करोड़ का घपला किया होगा इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है हो सकता है आज से छः महीने बाद आठ महीने बाद एक साल बाद ये जो स्कैम है ये भी सामने आए इनके अगेंस्ट भी सीबीआई या फिर ईडी वगैरह की जांच स्टार्ट हो और फिर ये लोग कहना चालू कर देंगे जी हम तो ईमानदार हैं हम तो ये हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं ये तो हमें फंसाने की चाल है फंसाने की कोई चाल नहीं है ये लोग ऑलरेडी इतना स्कैम करके बैठ चुके हैं कि इनकी धीरे धीरे जब फाइल्स खुलेंगी तो इनकी असलियत तो आपके सामने आएंगी तो फिलहाल तो मैं जो डेली के एलजी साहब हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक दिया इसमें इनको करना कुछ नहीं था ये चौराहे पे जाते और जो भी गाड़ी जिसका भी इंजन ऑन होता ये उसका चालान बना देते और चलान आराम से हज़ार दो हज़ार रुपए का होता तो डेली के अंदर लंबी लंबी रेड लाइट्स लगती हैं तो उसमें कई लोग गाड़ी का इंजन ऑफ कर देते हैं कई लोग ऑन रखते हैं तो सी बात है जो लोग ऑन रखेंगे उनका चालान बनता और ये सिविल सिविल डिफेंस के वॉल्टियर्स हैं वो उस पैसे को इकट्ठा करते और वो पैसा कहाँ जाता डेफ़िनेटली वो पैसा पार्टी फंड में जाता और फिर वो चुनाव लड़ने के काम में आता तो ये बहुत अच्छा निर्णय है एल साहब का और हम आगे भी इसी तरह के जो स्कैम है वो आपके सामने लाते रहेंगे हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू टेक केयर